क्वेश्चन इसका ये कि थर्मल स्टोरेज डिवाइस, एक थर्मल स्टोरेज डिवाइस है जो आपके क्या कहते हैं वो एनर्जी स्टोर करता है। थर्मल स्टोरेज डिवाइस आपके साथ वो हीट क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, विच कंटेन अ फ्लूइड R-11B, एक स्पेसिफिक किस्म का फ्लूइड है, इसमें ये फ्लो कर रहा है, हैविंग वेरिएबल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के वेरिएबल है। इस तरह नहीं है एक फिक्स है, फॉर एग्जाम्पल वाटर का अगर आप कह दे, सो इफ यू चेक, सो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होते हैं वो फिक्स होते हैं। सो ये जो फ्लूइड है इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिक्स नहीं है, ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, और टेम्परेचर कौन सी टेम्परेचर, केल्विन, ये याद रखिए, जिधर भी है अगर आप टेम्परेचर यूज करेंगे तो प्लीज क्लेम केल्विन यूज करें, और अगर वो तक केल्विन में क्या करें कंसिडर करें। तो सी पी इज इक्वल टू 0.05 T प्लस 0.2 किलो जूल पर के किलोग्राम पर केल्विन, ये भी केल्विन देखिए ना, ये सर टेम्परेचर केल्विन, वेयर टी इज द एब्सोल्यूट स्केल। आप सपोज करें कि टी आपके साथ क्या है, एब्सोल्यूट स्केल, एब्सोल्यूट स्केल का मतलब है केल्विन, याद रखिए। डिटरमाइन द एनर्जी स्टोर इन दिस डिवाइस, इस डिवाइस में कितनी एनर्जी स्टोर होगा, व्हेन इट राइज द टेम्परेचर फ्रॉम 0 फ्रॉम 20 टू 50 डिग्री सी, अगर 20 से वो क्या करें 50 डिग्री सी भी, अभी डिग्री सी में और ये केल्विन में, तो आप पहले क्या करेंगे इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे पर यूनिट टाइम। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ ली, एक थर्मल स्टोरेज डिवाइस है, इसमें एक स्पेसिफिक किस्म की फ्लूइड फ्लो कर रही है, इसका स्पेसिफिक कैपेसिटी इतनी है, और ये स्पेसिफिक कैपेसिटी एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी केल्विन पे डिपेंड करते हैं, और जब हीट स्पेसिफिक इसका है लेकिन यूनिट टाइम है, यूनिट टाइम मतलब है 1 सेकेंड में वो क्या करते हैं इसके टेम्परेचर 20 से 50 डिग्री से पर पहुंचा देता है। तो आप क्या करें, राइज हैंड सलमान जी, सर आवाज जो सुन रहा है सर, ठीक है। सो थर्मल स्टोरेज डिवाइस, क्वेश्चन ये था कि एक थर्मल स्टोरेज डिवाइस है जिसमें एक स्पेसिफिक फ्लूइड फ्लो करता है, और इस स्पेसिफिक फ्लूइड का हीट कैपेसिटी इतनी है, और आप क्या करें, ये इस तरह काम करते हैं कि 1 सेकंड में फ्लूइड का टेम्परेचर 20 से 50 पे ले जाते हैं, आप ये फाइंड करें कि इसमें कितना हीट स्टोर होगा, क्यों फाइंड करें कितना हीट स्टोर होगा। सो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं कि आपके साथ टेम्परेचर केल्विन में होनी चाहिए। सो केल्विन का फॉर्मूला क्या है कि टेम्परेचर इन केल्विन मस्ट बी इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273 आप इसके साथ ऐड करें। सो अभी 20 के साथ 273 ऐड करें तो ये आ गया, और 50 के साथ 273 ऐड करें तो 323 आ गया। द एनर्जी इज गिवन बाई, अभी एनर्जी का इक्वेशन हमने आज अभी पढ़ लिया कि के इज इक्वल टू एम इंटू टी आई इंटू टी नॉट सी पी डी टी, ये आपके साथ इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस, अभी ये देखिए इसके कंटिन्यूस वैल्यू आ रहे हैं मुख्तलिफ टेम्परेचर पर, इसके मुख्तलिफ वैल्यू, तो आप क्या करें एम की जगह 1 लिख ली क्योंकि ये 1 किलोग्राम के लिए, और इनिशियल करें 293 से लेकर 327 तक, इनिशियल से फाइनल 0.05 टेम्परेचर प्लस 0.2 इंटू डी टी, अभी इसका इंटीग्रेशन ले रही, सो 0.2 कॉन्स्टेंट है, टी का टेम्परेचर क्या होगा, टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वेयर डिवाइड बाई टू, टी स्क्वेयर डिवाइड बाई टू प्लस 0.2, इस तरह मैंने 0.02 लिख लिया लेकिन शायद ये 0.2, आप 0.2 लिख लिया, 0.2 इसके साथ टी होगा, ये कैसे होगा, ये तो आपको अगर मालूम है अपना इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये 0.05 T, इसके लिए अलहदा टी प्लस 0.02 dt, इसके लिए अलग। अभी अगर आपको मालूम है टी का इंटीग्रेशन क्या होते हैं, 0.05 बाहर हो जाएगा, और टी का इंटीग्रेशन किस चीज़ के बराबर है, टी स्क्वेयर डिवाइड बाई टू, एक्स का इंटीग्रेशन किस चीज़ के बराबर होते हैं, डी एक्स, एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई टू, जनरल फार्मूला के एक्स के पावर एन का फार्मूला के
एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एक्स डिवाइड बाय एन प्लस वन, ये फाइव। सो इधर भी हमने क्या किया, वही यूज किया कि 0.05 अपने जगह और टी का क्या होगा, टी स्क्वायर बाय टू, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन क्या होते हैं 0.02 इनटू टी। इसमें अभी थ्री फाइनल और इनिशियल, अभी अपने फाइनल और इनिशियल लिखने, कैसे लिखेंगे इस तरह 0.05 डिवाइड बाय टू, टी की जगह आप लिख ली थ्री फाइनल क्या था 323 स्क्वायर माइनस 2n293 स्क्वायर प्लस अभी 0.2 बाय लिख ली टी में आप क्या लिख ली फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल माइनस इनिशियल इसको सार कर तो इससे शायद ये आंसर आ जाएगा, अगर ये आंसर नहीं आता तो या फिर 0.2 कर दे क्योंकि इधर क्वेश्चन में 0.2 है, हमने 0.02 लिखे। सो ये दिस इज नॉट एन इशू, ये आपके साथ कोई इशू नहीं है। हमारा मतलब था हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ आ गया, समझ आ गया? यस सर। अभी इस तरह अगर क्वेश्चन है तो आप दोबारा से कर सकते हैं ना इस तरह? यस सर। ठीक है, अभी आते हैं इस पे कि व्हाट इज सोलर थर्मल एनर्जी स्टोरेज। ये अभी जो पिछले क्वेश्चन था इधर एक थर्मल स्टोरेज डिवाइस था, उसने क्या किया एनर्जी स्टोर किया था। व्हाई वी नीड दिस थर्मल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, पहला क्वेश्चन ये कि इस बंदे ने क्या किया था, इस बंदे ने ये किया था कि एनर्जी स्टोरेज डिवाइस का इसने न्यूमेरिकल हमें दिया था, और ये न्यूमेरिकल में उसने ये दिया था कि देयर इज अ थर्मल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। सो व्हाई वी नीड सोलर थर्मल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, सो ये इसलिए जरूरी है कि अगर आपको मालूम है कि सूरज कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए होते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया पे उसकी इंटेंसिटी कभी बढ़ती है कभी कम होती जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके साथ एक ऐसा लोड हो कि वो आप 24 आवर के लिए चलाना चाहते हो, सो इसके लिए आपने इसी तरह कुछ डिवाइस होनी चाहिए क्योंकि अगर इस एनर्जी को स्टोर करे ताकि फिर वो क्या करे बाद में इसको यूज करे बाद में। एग्जाम्पल अगर आपके साथ 6 घंटों के लिए ये अवेलेबिलिटी है कि आप सूरज के रेडिएशन को यूज करें, सो अभी आपके साथ इसके अलावा जो टाइम है तो इस पर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए कि वो क्या करे इस थर्मल हीट को स्टोर करें और बाद में हम इसको क्या करें यूज करें। द अवेलेबिलिटी ऑफ द सोलर रेडिएशन एट एनी पर्टिकुलर लोकेशन इज इन इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का क्या मतलब होते हैं, वक्फे से होते हैं, कुछ खास वक्फे में आपके साथ क्या होते हैं सोलर रेडिएशन एक स्पेसिफिक एरिया पे होती है। और इसका दूसरा काम होता है इनवेरिएबल, सुबह के वक्त रेडिएशन इतनी नहीं होती फिर दोपहर के वक्त ज़्यादा होती है। इन अनप्रेडिक्टेबल, और इसका अनप्रेडिक्टेबल का मतलब है कि आप अभी आप इसकी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि अभी इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी कम होगी, सो इसकी हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। सो एक स्पेसिफिक एरिया पे जिस एरिया पे फॉर एग्जाम्पल आप सोलर एनर्जी को गेन करना चाहते हैं तो इस पर एनर्जी वक्फे से आएगा, कुछ वक्फे से आएगा, दूसरा इसकी एनर्जी वेरिएबल होगा, तीसरा दिस इज अनप्रेडिक्टेबल होगा। सो हेंस टू ओवरकम दीज सरकमस्टांसेस दीज डिसएडवांटेजेस, अभी हमारा काम है कि इस डिसएडवांटेजेस को क्या करें खत्म कर दें। सो हमारे लिए क्या जरूरी है, हेंस टू ओवरकम दीज एडवांटेजेस सोलर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आर रिक्वायर, हमारे साथ एक ऐसा सिस्टम होनी चाहिए कि वो क्या करे एनर्जी को स्टोर करे एंड इंश्योर द स्मूथ सप्लाई ऑफ द पावर, और हमें यकीन और हमें क्या करे एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो दूसरा फोर्थ टाइम आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 6 घंटे हमारे साथ सोलर रेडिएशन अवेलेबल है तो 6 घंटे के बाद जितनी भी ड्यूरेशन है इसके लिए वो क्या करे स्मूथ हमें सप्लाई दे दी। सो इसके लिए हमारे साथ क्या जरूरी है, फॉर दिस वी नीड सोलर थर्मल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल अभी ये भी सिंपल कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा लेक्चर इस स्पेसिफिक टाइम के लिए अवेलेबल, इसमें आपकी नेट की प्रॉब्लम्स आ सकती है, आप नेट के साथ डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, इसका मतलब है कुछ रेडिएशन मतलब कुछ लेक्चर आप मिस कर सकते हैं। सो हमारे लिए कुछ इस तरह बैकअप होनी चाहिए कि वो क्या करें कि जब आप क्लास की ऑनलाइन क्लास के दौरान कुछ पोर्शन मिस करें कि वो क्या करें फिर रिकवर करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं
इसके रिकॉर्डिंग कर दे और फिर आपको यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दे। ये हम इसलिए करते हैं कि हमारा एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाए। तो इसलिए सोलर थर्मल एनर्जी हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अभी द बेसिक कंपोनेंट ऑफ स्टोरेज डिवाइस, अभी स्टोरेज डिवाइस का बेसिक कंपोनेंट क्या होगा, वो कैसी किस तरह होगा, तो इस तरह होगा। ये देखिए व्हाट इज दिस, दिस इज द कलेक्टर राइजर ट्यूब। इसके ऊपर इस तरह कुछ कलेक्टर है, वो कलेक्टर आपने पढ़ लिया, पेन टाइप, फ्लैट टाइप होगा, फोकसिंग टाइप होगा, फिर लाइन कलेक्टर होगा और पॉइंट कलेक्टर होगा, लेकिन इसके ऊपर कलेक्टर होगा। वो कलेक्टर क्या करेगा, अपनी सारा एनर्जी इस राइजर ट्यूब को देगा। और राइजर ट्यूब में क्या है, राइजर ट्यूब में इस तरह ये फ्लूइड आ रहा है, ठीक है, ये इस तरह वायर नहीं है, ठीक है, ये इस तरह हमने इसका राइजर ट्यूब बताया, इस तरह मतलब है कि सारा इस तरह एक ट्यूब है, ठीक है, ये सारा ट्यूब। और ये पोर्शन इस तरह ये शो करता है कि इधर एनर्जी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एनर्जी दूसरी पोर्शन में ट्रांसफर कर सकते, इधर ट्रांसफर कर सकते। सो दीज आर दी कलेक्टर राइजर ट्यूब, इधर कुछ फ्लूइड इंसिडेंट होते हैं, तो क्यू इंसिडेंट इक्वल टू एम वन सी पी वन टी नॉट माइनस टी आई, ये होगा इसका। सो इस स्पेसिफिक हीट इधर फ्लो करेगा, जब इधर फ्लो करेगा तो ये आपके साथ एक इस तरह टैंक है, इस टैंक में भी कुछ फ्लूइड है, इस फ्लूइड को क्या करेगा, ये अपना हीट इस फ्लूइड को देगा। और इस फ्लूइड की हीट को हम इधर क्या करते हैं, यूज कर सकते, इधर हम क्या करते हैं, यूज कर सकते। और इसके साथ हमने क्या किया, कुछ लोड इधर इंजर्ट किया, इधर लोड इंजर्ट किया और इधर हम इसको यूज करते। अभी इस लोड में भी इधर कुछ फ्लूइड फ्लो करता था, इसका लो टेम्परेचर था, इस पोर्शन पर जो टेम्परेचर है दिस इज लो और ऊपर जो पोर्शन है इस पर हाई, इधर हमने लोड कनेक्ट कर दिया। सो इसका हमने कुछ हीट इधर यूज किया और कुछ इधर इस फ्लूइड में क्या हो गया, स्टोर हो गया, क्योंकि इधर जो फ्लूइड होगा वो क्या करेगा, इसको स्टोर करेगा। सो अभी जो एनर्जी होगा ये गर्म होगी, ये फ्लूइड तो इसको अगर ये अभी अवेलेबल भी नहीं है तो ये फ्लूइड तो गर्म है ना, तो क्या करेगा, इसको एनर्जी देगा और ये काम करेगा। सो इसका मतलब ये है कि हमने स्टोरेज डिवाइस इधर कुछ हीट स्टोर कर दिया। सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ स्टोरेज डिवाइस, कि एक कलेक्टर होगा और कलेक्टर के साथ राइजर ट्यूब होगा। ये राइजर ट्यूब क्या करेगा, अपनी एनर्जी कलेक्टर से लेगा और इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक सेंड कर देगा। इसका मतलब है कि इसका कुछ हीट इधर जज़ब होगा, अभी ये हीट इधर ट्रांसफर होगा दूसरी पोर्शन। सो दिस इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ दिस। अभी टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, आपके साथ जो स्टोरेज डिवाइसेस है इसके टाइप्स क्या होंगे। इधर जो हम फ्लूइड यूज करेंगे वो दिस फ्लूइड इज द स्टोरेज डिवाइस। एक हमारे साथ जो एनर्जी है उसमें स्टोर होगा, का मतलब है ये जो सारा कंपोनेंट्स है, ये सारा स्ट्रक्चर है, दिस इज स्टोरेज डिवाइस। लेकिन इसमें स्टोरेज किधर हो सकते हैं, इस फ्लूइड में आपके साथ स्टोरेज हो सकती है। सो द टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस, sensible heat storage device, sensible heat storage device SHHD, sensible heat storage device, और दूसरा आपके साथ होगा LHSD, latent heat storage device। सो sensible heat storage device आपके साथ क्या है, सो अगर आपको मैं फिर से वही स्क्रीन शो कर दूं तो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, वो ये कि अगर आपको मालूम है, ये हमारे साथ एक लैब था, हम इस तरह करते थे कि सपोज दिस इज दी आपके साथ एक बीकर कंसीडर करें, जो भी कंसीडर करें, आपके साथ एक कंटेनर है, इस कंटेनर पर हम क्या प्रोवाइड हीट, दे शो हीट। इधर आपके साथ सपोज बर्फ पड़ी है, बर्फ, ठीक है, अभी जब बर्फ पड़ी है इसका टेम्परेचर स्टार्ट में अगर आप देखते, सपोज दिस इज -4°C, -4 से भी ये तो स्पेस तो नहीं होती कि अब जो भी कंसिडर कर, लेकिन बर्फ के जो टेम्परेचर है वो आप कंसिडर कर इतनी। जब हम इसको हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर -20 से इंक्रीज होता जाएगा, इस तरह जाएगा 0 तक जाएगा। जब इसका टेम्परेचर 0 हो जाए तो इस वक्त आपके साथ क्या होगा,
इधर अगर आप थर्मामीटर इस तरह इसमें इंसर्ट कर दिए, थर्मामीटर शो करते, ये जो थर्मामीटर आपको नजर आ रहे हैं थर्मोमीटर, इसका माइनस 20 से 0 तक जो वेरिएशन होगा वो इस तरह होगा। सपोज दिस इज माइनस 20, दिस इज टेम्परेचर सपोज माइनस 20, इस पर ये पोर्शन क्या थी, सॉलिड थी, सॉलिड, और फिर आपके साथ जीरो तक क्या गया, ये फिर भी आपके साथ सॉलिड फॉर्म में थी। जब जीरो तक जब टेम्परेचर हो गया तो इसने फेगलना शुरू किया, इसका क्या हो गया, फेगलना शुरू किया। अभी ये जो आपके साथ ये टेम्परेचर है 0 डिग्री, अभी इसको आप हीट देंगे लेकिन इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, इस तरह आपका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, इस तरह स्ट्रेट होगा। लेकिन ये जो पोर्शन नजर आ रहा है आपको, इसमें ये सॉलिड थी, लेकिन इस पोर्शन में अभी ये क्या कर रहा है, इस पोर्शन में इट कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, इस पोर्शन में ये लिक्विड को कन्वर्ट होता है, इस पोर्शन में ये लिक्विड को कन्वर्ट। अभी इस पोर्शन में आप तो हीट देते हैं लेकिन इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, सो वही टेम्परेचर वही हीट जो इसको रिक्वायर है कि इसका टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं करता लेकिन इसको सॉलिड से लिक्विड पे कन्वर्ट करते, इस हीट को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट का मतलब है, लेटेंट का मतलब है मख्फी, चुप, ये हीट इसमें चुप होती है, मतलब है कि इधर तो हीट देता था इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता था और अभी इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। जी जनाब, जिसने राइज हैंड किया था वो क्या क्वेश्चन पूछना चाहता है? दास दास होते नेटवर्क मसला था, बोलो نو اصل کی داسه د چا بلزلا سمسته سنگل پلا دیسر پتہ نہیں میرے ساتھ تو نیٹ ورک آج بالکل ٹھیک ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی کلاس لیا وہ بہت اچھا تھا اور ادھر بھی میں انکوائر کرتا ہوں ابھی ہم کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو پورشن نظر آ رہا ہے دس پورشن اس پورشن میں اٹ کنورٹ فرام سالڈ ٹوورڈ لیکوئڈ सो इसमें ये जो हीट अभी दे रहा है ये मॉलिक्यूल के बॉन्ड खत्म करने में इस्तेमाल होती है और एनर्जी इसके टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करते, इसका मतलब इट कन्वर्ट द फेज चेंज, सॉलिड से लिक्विड पे कन्वर्ट होती है और इधर आपके साथ फेज चेंज नहीं होता था, जस्ट टेम्परेचर और राइज होता था। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह सपोज कर अभी ये सारा लिक्विड पे कन्वर्ट हो गया तो फिर से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, कितने तक, 100 तक सपोज, अगर वाइट पे 100 तक इसके टेम्परेचर इंक्रीज हुआ लेकिन जब 100 पे वो पहुंच जाए तब भी आपके साथ फिर नहीं होगा, आपके साथ क्या होंगी, इस तरह सारे अगर बाप में कन्वर्ट ना हो जाए तो ये इसका टेम्परेचर 100 से इंक्रीज नहीं होगा। सो इस पोर्शन इसका लेटेंट हीट एंड इट इसका लेटेंट हीट और ये इसके लिए जो एक कोएफिशिएंट है इसका है सीपी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका मतलब ये होता है। तो कहने का मतलब मेरा ये था के देर आर टू टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, वन इज कॉल्ड सेंसिबल हीट स्टोरेज डिवाइस एंड अदर इज कॉल्ड लेटेंट हीट स्टोरेज डिवाइस। अभी जो सेंसिबल है इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेटेंट, इस पर टेम्परेचर राइज होगा लेकिन फेज चेंज होगा, सॉलिड होगा तो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा तो लिक्विड होगा। हीटिंग आर लिक्विड आर सॉलिड, आप अगर लिक्विड और सॉलिड को हीट करते which does not undergo phase change, jiska phase change na ho, it mean agar solid ho iska temperature increase ho lekin ye solid se liquid pe convert na ho, aur sare ye liquid ko solid pe convert na ho, so this is called which does not undergo phase change, this energy store is a function of temperature, aapke sath kya hoga, iska temperature change hoga lekin iska phase change nahi hoga, so this is called, is par mein jo energy store karte hai iska naam hota hai सेंसिबल हीट स्टोरेज। अगर इस तरह काम करते फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह अगर करता है कि टेम्परेचर इसका अभी इस पॉइंट पे टेम्परेचर और इस पॉइंट पे टेम्परेचर सेम है
लेकिन अभी ये सॉलिड से लिक्विड पे कन्वर्ट होता है, इस वक्त इसका फेज चेंज होता है, इसका जो हीट हम देते इट चेंज द फेज ऑफ द मटेरियल, सॉलिड से लिक्विड पे कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट स्टोरेज, और इस दूसरे का नाम है सेंसिबल हीट। फॉर एग्जाम्पल एक सॉलिड का टेम्परेचर इनिशियल में ये T1 और इसके बाद इसका टेम्परेचर क्या हो गया T2 हो गया, तो इसका इंक्रीज इस तरह गया। अभी सारा कितना एनर्जी स्टोर करेगा, सो वी कैन स्टोर दिस फ्रॉम m T1 टू T2 CpdT इस तरह। कहने का मतलब ये जो पहला इक्वेशन हमने यूज किया था इस पर जो हमने न्यूमेरिकल किया था, इट इज यूज फॉर द सेंसिबल स्टोरेज हीट डिवाइस। हमने दो इक्वेशन पढ़ी थी, पहला इक्वेशन ये था MCPT, दिस इज यूज फॉर द सेंसिबल हीट डिवाइस, और दूसरा था MLH। M का मतलब है मास और H का मतलब है लेटेंट हीट, सो दिस इज यूज फॉर लेटेंट हीट। अभी क्वेश्चन किसका क्या है, फाइंड द थर्मल एनर्जी स्टोर इन थर्मल टैंक। एक थर्मल टैंक में एनर्जी स्टोर है वो आप फाइंड करें, विच चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम 20 to 90 degrees C, मास ऑफ द फ्लूइड इन दूमरा किलोग्राम। अभी मास इतने किलोग्राम है, टेम्परेचर 20 से 90 पे गया, और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितने है 2। अभी ये भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर नहीं है, और ये भी आपके साथ डायरेक्ट गिवन है, तो आप क्या करें और टाइम गिवन, तो आप डिस्क्रीट वाली फार्मूला यूज करें। ठीक है, अभी आप इस तरह करें कि फार्मूला आपके साथ है QMC∆T। अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं यूज करना क्योंकि आपके साथ किस चीज में डिस्क्रीट में डेल्टी क्या है 90 - 20 70 आपके साथ में सेल्सियस, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें 273 के साथ ऐड करें, तो आपके साथ क्या जाएगा इनको मल्टीप्लाई करें। अभी मास 100, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2, और चेंज इन टेम्परेचर इतना, इसको मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी द आंसर, ये आपके साथ आंसर है। इसके बाद है लेटेंट हीट चेंज डिवाइस। सो व्हाट इज लेटेंट हीट चेंज डिवाइस, द डिवाइस इन विच द एनर्जी इज स्टोर्ड ड्यूरिंग इट्स फेज चेंज। अभी आपके साथ जो लिक्विड है, जो मटेरियल है, जो हमने यूज किए और जिस डिवाइस में, तो इस डिवाइस में एनर्जी स्टोर होगा, लेकिन ये जो एनर्जी स्टोर होगा इट विल चेंज द फेज, फेज चेंज करेगा, लिक्विड से गैस पे कन्वर्ट करेगा, सॉलिड से लिक्विड पे कन्वर्ट करेगा, लेकिन इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, तो इसका नाम होगा लेटेंट हीट स्टोरेज, इस तरह होगा। और इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, MLH, एम होगा और एल एच आपको गिवन होगा कि लेटेंट हीट इसका इतना है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली हम इस तरह नहीं यूज कर सकते कि एक लेटेंट है और एक सेंसिबल है, वी यूज बोथ, हम बोथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो सॉलिड से लिक्विड पे कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड से गैस पे कन्वर्ट हो जाए, सो इतना टेम्परेचर अगर हम दे दें तो हम प्रैक्टिकली हम इन दोनों को एट अ टाइम यूज करते हैं, ऐसा डिवाइस यूज करते हैं जिसमें सॉलिड का पोर्शन भी हो और लिक्विड का। सो प्रैक्टिकली आप कैसे आपके साथ इस तरह होते हैं, एक सॉलिड मटेरियल होता है सपोज, इसका टेम्परेचर इनिशियल T1 होते है, कुछ टाइम बाद T2 होता है, इसके बाद इसका फेज चेंज होता है लिक्विड, और लिक्विड के बाद सारा। अभी व्हाट इज दिस, दिस इज द सेंसिबल हीट, व्हाट इज दिस, दिस इज द सेंसिबल हीट, क्योंकि इट इंक्रीज द टेम्परेचर, इट इंक्रीज द टेम्परेचर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक दिस नॉट, डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर। प्रैक्टिकली इट इज डिफिकल्ट टू कीप अ कांस्टेंट टेम्परेचर, सो इन LHSD सम पार्ट ऑफ एनर्जी स्टोर इन सेंसिबल हीट एंड सम पार्ट स्टोर इन लेटेंट हीट। प्रैक्टिकली आप डिफिकल्ट है कि आप अलाइदा अलाइदा यूज करें, हम क्या करते हैं दोनों को यूज करते हैं। सो अब इसका इक्वेशन क्या होगा, जी जी हेलो, चलो हाँ जी। सो अभी यहां से लेकर यहां तक दिस इज सेंसिबल, सो एम T1 2 n दिस इक्वेशन, और यहां से यहां तक दिस इज लेटेंट, और फिर दोबारा से यही, सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। जी
मसला तो नहीं है। जमाई ने दा दुआ द्रेव रजी मारे वापस ठीक शेवे दा समझ आ गया। अभी इस पर हम लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल एंड दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। ये क्या शो करते हैं आपके लिए? ये आपको ये शो करते हैं कि ये आपके साथ वही अरेंजमेंट है जो हमने डिवाइस में पढ़ा था, कि इधर आपके साथ एक कलेक्टर होगा, ये कलेक्टर अपने हीट इसको देगा और ये हीट क्या करेगा, हम इधर स्टोर करेंगे कुछ। तो कैसे करेंगे? और ये हम इसलिए स्टोर करते हैं कि हमने ये कहा था कि फॉर एग्जांपल इस वक्त हम 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे के लिए कुछ एनर्जी अवेलेबल है, बास टाइम क्या वो मजीद जो टाइम होता है इसके लिए अवेलेबल नहीं होते, तो आपने क्या करना है, आपने स्टोरेज डिवाइस यूज करना। अ सोलर हीटिंग डिवाइस हैव अरेंजमेंट एज शोन, अज्यूम द सोलर रेडिएशन आर यूनिफॉर्म फॉर द 8 आवर। हमने सपोज किया है कि 8 आवर के लिए ये जो रेडिएशन आ रहे हैं दीज आर द यूनिफॉर्म, हमने सफूज क्या सफूज किया, हमने ये सफूज किया कि द रेडिएशन फॉर द रेडिएशन फॉर द क्या कर दिया 8 आवर इज अ यूनिफॉर्म, फॉर दिस 8 आवर द मास फ्लो रेट राइज स्क्रीन दो विजिबल है ना। Assume that the solar radiation are uniform for 8 hours a day. For these 8 hours, the mass flow rate riser tube is 1 kg per second. ये एम है। And the specific heat capacity flowing through this is duma. अभी ये भी discrete form में given है, ठीक है? So इधर हम integration नहीं use करेंगे। The temperature rise is to 20 degrees C. इसने temperature कितना rise कर 20 degrees C. लेकिन आप सपोज करें कि ये 10 केल्विन है, ठीक है, क्योंकि डिग्री सी को फिर आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे और इधर मुझसे भूल आता तो मैंने नहीं किया था, तो चलो आप केल्विन सपोज करके दिस इज 10 केल्विन। एफिशिएंसी ऑफ द स्टोरेज टैंक इज 90%, ये आपके साथ परसेंट है, ठीक है, 90 डिग्री नहीं है, 90%। मतलब है कि 90% ये जो एनर्जी राइजर ट्यूब को देता, जितना एनर्जी राइजर ट्यूब को आता है वो 90% क्या करते हैं, टैंक को प्रोवाइड करते हैं, टैंक इस टैंक को, इसको जितनी एनर्जी आ रही इसका 90% इस टैंक को ये प्रोवाइड करते हैं। आप क्या करें, फाइंड द मैक्सिमम लोड अटैच टू कंटिन्यू द पावर सप्लाई। आप ये फाइंड करें कि हम कितना लोड कनेक्ट करें कि इसके साथ 24 घंटों के लिए ऑल द टाइम कंटिन्यूसली ऑल द टाइम मतलब 24 आवर क्या करें फ्लो करें, ये हमारा काम होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये एक अरेंजमेंट है, इधर आपके साथ एक कलेक्टर है, ये कलेक्टर एनर्जी इसको देते हैं, इसका मास 1 है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है, चेंज डेली डायल गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चेंज है वो 10 केल्विन है, चेंज डेल टू डायल गिवन है, ठीक है, राइज इस तरह भी देते 20 से 10 तक, 20 से 30 कर दिया, 30 से 40 कर दिया, 30 से 100 कर दिया, लेकिन इधर इसने डायरेक्ट चेंज दिया तो ठीक है। और इसके बाद इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उन्होंने दिए, इसका कैपेसिटी इतने, आप क्या फाइंड करें, ये चूंकि 8 आवर की यदि सयाफ है आप इस तरह करें कि कितने लोड इसके साथ मैं कनेक्ट करूं कि वो 24 घंटों के लिए काफी हो, कितना लोड कनेक्ट करूं कि 24 घंटों के लिए काफी हो। तो इसके इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करें तो आपके साथ ये गिवन है, एम इतना है, सी पी इतनी है, टी आई माइनस टी नॉट आपके साथ 10 केल्विन है, एफिशिएंसी 90% है, टोटल हीट आपके साथ क्या होगा एम सी टी डेल्टी, तो अभी सारा करें 1 × 5 × 10, आप इसके साथ ऐड ना करें क्योंकि मैंने कंसिडर किया कि दिस इज किलो, तो आपके साथ आ गया 50 किलो वाट जोल, नहीं ये आपके साथ वाट होगा क्योंकि इसके साथ टेम्परेचर है क्यों यूजफुल, ये नफाम ऑफ वाट होते हैं, ठीक है, सो इतना पावर इस पर है। अभी इसका 90% कितना होगा, 0.90
मल्टीप्लाइड बाई 50, इसका मतलब है ये 90 50 किलोवाट तो पावर आता है, तो इसका कितना ये स्टोर करते हैं 45, ये 45 सर ये 45 टैंकर को देते और 5% इसमें लासेज आते हैं। इसका मतलब ये जो 45 किलोवाट पावर टैंकर को आते हैं हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कितने घंटे में आता है ये इतना पावर, इतना पावर इसको 8 घंटों में आता है। अभी इस पावर को, क्योंकि पावर तो हम इंक्रीज नहीं कर सकते, हम इस 45 को क्या करेंगे, इसी तरह अरेंज करेंगे कि वो क्या करे 24 घंटों के लिए अवेलेबल हो। तो हम क्या करते हैं इसके साथ, अगर 24 में कितने 8 होते चुमरा तपकी 8 3 24 3 कर, इसका मतलब है कि अगर इसको हम 3 से डिवाइड करें तो 15 किलोवाट। तो अगर हम एक लोड 15 किलोवाट लोड कंसिडर करें तो ये 15 किलोवाट लोड पहले 8 घंटे में 15 किलो कंज्यूम करेगा, इसके बाद 15 का कंज्यूम करेगा, इसके बाद 15 कंज्यूम करेगा। सो अगर आप याद रखिए कि 3 15 आपके साथ कितने होंगी 45, ठीक है। सो ये आ गया आपके साथ इतना। अभी द मैक्सिमम लोड कनेक्टेड विद डिवाइस द that continuous flow up to 24 hour is 45 by 3 15 क्यों 55 को ऐसे डिवाइड कर तो आपको साथ 3 आता है, इसलिए हमने क्या किया ये यूज़।